यहाँ पर सांसद महोदय ने इस गांव को गोद लिया था, मियावर गांव को। कितना विकास हुआ गोद लेने के बाद? विकास हम लोग जानकारी है कि वो समुदाय भवन बनवाए हैं, उसके अलावा उसके बाद और बोले हैं कुछ, लेकिन कुछ किए नहीं। बोले हैं वो सांसद के पद से हट गए, फिर पुनः सांसद के चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अब विकास कब होगा गोद लेने के बाद? अब एक बार जीत के नहीं किए हैं तो दूसरा का बस कहाँ से करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ काराकाट में पवन लहर भी तेज है, पवन सिंह के बारे में क्या है? ठीक है, पवन और तेज है, लेकिन वोट तो मिल जाएगा उनको, फिर आएंगे नहीं आएंगे उन पे भी भरोसा नहीं। ना आएंगे, वोट लेके समुदाय भवन बनाए हैं और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। सब आश्वासन दिए थे कि यहाँ वाईफाई लग जाएगा, यहाँ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र का अमियावर गांव है। कहा जाता है कि अमियावर गांव को साल 2014 में जब केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सांसद थे यहां के काराकाट के, तब इस गांव को गोद लिए थे। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना थी आदर्श ग्राम योजना, इस योजना के तहत बिहार में 40 लोकसभा सीटों के सांसदों को एक एक गांव को गोद लेना था। तो कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अमियावर गांव को गोद लिया था। अब हम यहां की जनता से जानते हैं कि जब गांव को गोद लिया गया था तो गांव में अब कितना विकास किया गया है। इस गांव को गोद लिया था सांसद महोदय ने, ये बात सच है? सच तो है, लेकिन फिर आए कहाँ? एक बार काम करने के बाद फिर अभी नहीं किए। तो गोद लेने के बाद विकास करना था गाँव का, प्रधानमंत्री का योजना था आदर्श ग्राम योजना, उस योजना के तहत गांव को गोद लेना था जो जिस गांव में विकास नहीं हुआ है, और उस गांव का विकास करना था। तो यहां क्या क्या विकास हुआ है अभी तक? अभी तक तो हमारे गांव में खाली सिर्फ एक भवन तो बनाए हैं बस, समुदायक भवन, इसके बाद कुछ भी नहीं काम किया। चारू और रोड उड भाई ढलाई का यहाँ पर वो नहीं कुछ बना है, ये आपको लैट्रिन वगैरह बना है, कॉलोनी मिला है, कॉलोनी वगैरह मिला है। तो ये जो रोड आपको दिख रहा है ये तो मेन रोड है, ये तो हाईवे से निकल गली में भी बना है, गली में बना है उनका बना है। ना ना वो तो सब मुखिया उनका, उपेंद्र सिंह का नहीं है, लेकिन है मुखिया अपना मंडे का ना। सांसद महोदय ने क्या किया है? सांसद महोदय को गांव लेकर गांव का विकास करना था, तो उन्होंने गांव में क्या किया है? सामुदायिक भवन है, एक सामुदायिक भवन है सिर्फ एक बना है, जो यहाँ गोद लिए हैं, जिनको उनको इतना यहाँ ध्यान था कि हर साल इनको आना था, एक भी नहीं आए, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं घूम के चारों तरफ, पब्लिक से पूछिए ना, ये तो पूछने वाली चीज़ क्या हुआ है। चाचा थोड़ा साइड हो जाइए। यहाँ पर सांसद महोदय ने इस गांव को गोद लिया था, अमियावर गांव को। कितना विकास हुआ गोद लेने के बाद? विकास हम लोग जानकारी है कि वो समुदाय भवन बनवाए हैं, उसके अलावा उसके बाद और बोले हैं कुछ, लेकिन कुछ किए नहीं। अब बोले हैं वो सांसद के पद से हट गए, फिर पुनः सांसद के चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अब विकास कब होगा गोद लेने के बाद? अब उनका मन के बात है, क्या करें। चुनाव में भी इस विकास को मुद्दा बनाना है क्या? मुद्दा बनाना है, स्कूल है चाहे फील्ड है, उसको बाउंड्री करवाना है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम यहाँ काम कराएंगे आने के बाद, बोले हैं तो करने के लिए। जब 14 में सांसद थे तब तो किए नहीं, तो इस बार जनता को विश्वास है कि करेंगे फिर से? देखिए अभी कैसे कह सकते हैं, क्या लग रहा है? बोले हैं, इन्होंने कहा है कि बोले हैं वो। ना ना कहाँ से करें, जब एक बार जीत के नहीं किए हैं तो दूसरा का बस कहाँ से करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो फिर इस बार कौन चाहिए? अब हम लोग का देखिए नया वो बेटी बहू खड़ा है, प्रियंका चौधरी। हाँ, हम लोग AIMK पार्टी से खड़ा है, हम लोग उनका जिताएंगे। हाँ, गाँव के बहू बेटी खड़ी है, हम लोग सारा गाँव उसी को वोट देंगे। यहाँ काराकाट में पवन लहर भी तेज है, पवन सिंह के बारे में क्या है? ठीक है, पवन और तेज है, लेकिन वोट तो मिल जाएगा उनको, फिर आएंगे नहीं आएंगे उन पे भी भरोसा ना। आएंगे कहाँ से? कह तो रहे हैं कि यहीं रहेंगे, इसी काराकाट में जमीन लेंगे, घर बनाएंगे। कहने से नहीं होगा, वो गायक ना है, गायक लोकल में थोड़ेगा, देहात में रहेगा, वो अपने घर लेके बम ले। यहाँ तो गांव का बेटी है, बहू है, जब यहाँ तब हम पुकार लेंगे। हाँ, इनके पास भी पैसा आ जाएगा तो ये भी गाँव छोड़ के चली जाएंगे। इनका तो यहाँ गाँव है, यहाँ का मुखिया है, अभी जिला परिषद भी है प्रेजेंट का। हाँ, इनका मम्मी मुखिया है, इनका वाइफ जिला परिषद भी है, प्रियंका चौधरी। क्या लग रहा है चाचा, उपेंद्र कुशवाहा ने इस गांव को गोद लिया था, क्या विकास हुआ इस गांव में? एक सामुदायिक भवन बना हुआ है बस, उसके बाद में कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं जी, नहीं आए भी नली नहीं। गली तो उनके फंड से नहीं ना आता। सामुदायिक केंद्र भी बनाना था यहाँ पर। हाँ, सामुदायिक भवन बना दिए हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद में कुछ नहीं बना। तो यहाँ डॉक्टर प्लस टू करना था स्कूल को,
वो भी उसका में भी 10+2 में मास्टर नहीं थे, अभी तो नया बहाली हुए हैं, उनके उनके रीजन में नहीं, महाबली के रीजन में हुए, उनके रीजन में। वो गोद लेके क्या किए हैं? गोद लेके सामुदायिक भवन बनाए हैं और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। सब आश्वासन दिए थे कि यहाँ वाई फाई लग जाएगा, यहाँ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो नेट नहीं चलाते हैं? नेट चलाते हैं, नेट चलाते चलाते हैं। तो गांव में जो जो बोला गया है वो नहीं हुआ था? वाईफाई लड़कों के लिए बोले थे कि लग जाएगा इस गांव में, सारा सुविधा होगा, कंप्यूटराइज गांव हो जाएगा, पंचायत हो जाएगा, गांव गोद लिए हैं तो कहाँ हुआ। अच्छा, थोड़ा सा ये बात बताइएगा, जब उन्होंने गोद नहीं लिया था तो गाँव में क्या क्या था? पहले तो इनके पहले कुछ भी नहीं था, जैसे एकदम पंचायत भवन था खाली सिर्फ, पहले इतना फंड कहाँ आता था। हाँ। और गोद लेने के बाद? गोद लेने के बाद एगो सामुदायिक भवन, बड़ा सामुदायिक बना दिए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं। कैमरामैन थोड़ा मेरे साथ आइएगा और बाकी अन्य लोग। क्या चाचा, यहाँ के सांसद महोदय ने इस गाँव को गोद लिया था, विकास किए कुछ? वही पंचायत भवन वगैरह बनाए हैं, इसके बाद फिर अभी नहीं किए हैं, फिर आए ही नहीं, ना कहाँ से आते हैं। तो फिर से वो सांसद का चुनाव लड़ने आए हैं, वोट वोट देने का विचार है? जानता ना, जब समय आएगा तब ना वोट डाल। समय तो आ गया, आ गया तब, उस दिन आएगा तब बता। आए थे कि नहीं मिलने उलने आप लोगों से? कहाँ जाते उधर आते, यहाँ कहाँ काम, अभी नहीं आए। नहीं आए थे ना? कुछ बोले भी नहीं है कि इस बार भी हमको जिताइए या कुछ भी? आएंगे अपने आप, एडमिशन कर कल है ना भरना, होने के बाद नहीं इधर आएंगे, उसके बाद आएंगे। अभी रोजगार का मुद्दा मेन है, जितने भी लड़के पढ़ लिखे। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलिए। अभी पढ़ी लिखी है, क्या कोई बच्चा इंटर करने के बाद या बी ए ऑनर्स करने के बाद फार्म भरता है तो दो दो बरस तक पेपर कैंसिल? हाँ। अफिन गार्जियन कहाँ से पैसा देगा? हाँ। मजदूर है ग्रेड कार्ड में। इधर आ जाइए चाचा। अच्छा एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, उपेंद्र कुशवाहा ने इस गांव को गोद लिया? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ गांव में आए थे। हाँ। उन्होंने गोद लिए। हाँ। लेकिन यहाँ की जितनी मांग थी एक भी मांग पूरा नहीं की, यह केवल बहुदेशीय भवन बना। हाँ। बस अब कुछ सड़क वड़क जो बनवाना था, पीने का साफ पानी, नल जल योजना मुखिया के फंड से है। हाँ। उन्होंने नहीं करवाया, नहीं किया। हॉस्पिटल भी बनवाना था, स्वास्थ्य केंद्र बनवाना, स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल था, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ, नहीं। अच्छा फिर से चुनाव लड़ने आ गए हैं वो? हाँ। क्या विचार है इस बार? वे उनको चुनाव नहीं, वोट नहीं मिलेगा, नहीं वोट देना, जो शिक्षित व्यक्ति है वो नहीं देगा। तो शिक्षित कौन दिख रहा है काराकाट में, ऐसे कोई प्रत्याशी जो शिक्षित नजर आ रहे हो आपको? देखिए सुनिए, अभी जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में तो कोई कुछ कह देता है, ये समझती है ना, लेकिन जरूरी क्या है कि अभी हम लोग के यहाँ शिक्षक ही अभाव है। तो शिक्षित व्यक्ति दिख रहे हैं कोई? 9 या 10 प्रत्याशी खड़े हैं सांसद के रेस में। देखिए देखिए, राजूराम भी पढ़े लिखे हैं। हाँ। अब जानती है, हमसे पूछ रही है, आप खुद जानती है कि कौन पढ़े लिखे है। सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन पढ़े हुए प्रतिनिधि जब चुनाव जीत के जाते हैं तो शिक्षा पर ध्यान कहाँ देते हैं? शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? और जब नहीं दे रहे तो हम परिवर्तन करेंगे, बात खत्म। तो परिवर्तन की विचार तो इस बार होनी चाहिए ना, क्योंकि काराकाट में अब तक तो एनडीए प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज किया है और आप लोग कह भी रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। एनडीए प्रत्याशी पहले नहीं थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जीत दर्ज किया, वही तो मैं बोल रही हूँ। वही इसके पहले महाबली जी यहाँ से जीते थे, वो भी एनडीए के थे ना, तब काम हुआ कुछ? कुछ कहा, काम कहा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस बार किसको सोच रहे हैं? इस राजाराम काम चले, राजाराम राजाराम काम करेंगे? हाँ, भरोसा है? हाँ, भरोसा है। अच्छा तरह तरह की बातें हो रही है काराकाट में, सभी तरह के लोग हैं, ऐसे तो सबको अपना अधिकार है वोट देने का, कई लोग पवन सिंह का नाम ले रहे हैं। देखिए कारण है कि जिसको जो इस विचारधारा से जुड़ा है वो उसका चर्चा करेगा, जो संगीत विद्या से जुड़ा है उसके साथ जाएगा, ये कौन बड़ी बात है, नौजवानों भी जा सकता है। तो पवन सिंह अगर आ गए तो क्षेत्र का विकास होगा? हमारे समझ से तो नहीं, नहीं होगा। राजा राम सिंह आएंगे तभी होगा। इसलिए कि जो नेता जमीनी स्तर पर होता है, ऊपर से कुछ टपक गया है, जिस क्षेत्र में घूमबे नहीं किया। चाचा राजा राम सिंह के गुप्त वोटर भी है क्या? गुप्त वोटर नजर आ रहे हैं क्योंकि ऑन कैमरा तो ज्यादा लोग नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए
कि वे सामने नहीं आएंगे, गुप्त वोटर। गुप्त वोटर, राजनीति असली राजनीति हो रही है काराकाट में। जो नेता जमीनी स्तर का हो, जो जमीन का सब जानता हो, और ऊपर से कोई उम्मीदवार आ गया तो क्या जानता है क्षेत्र की समस्या का। उपेंद्र कुशवाहा से कहा गया था नहर में पुल बनाने के लिए, पगडंडी रास्ता, वो पर जाने में किसानों को दिक्कत हो रहा है पक्कीकरण करने का। कहाँ कुछ हुआ नहर का पक्कीकरण की मांग हुआ था आरा लाइन का? नहीं हुआ। कहाँ मांग उठाएंगे संसद में तब ना? हाँ। नहीं उठा। कदवन डैम का बात है, किसानों की समस्या है, नहीं हुआ अभी तक। देखिए भाई, ये काराकाट का मियावर गांव था और कहा जाता है कि सांसद महोदय ने इस गांव को गोद लिया था। सांसद महोदय ने इस गांव को गोद लिया था साल 2014 में, जब वो काराकाट के सांसद थे। 19 में वो हार गए, यहां से महाबली सिंह जीत गए, और महाबली सिंह के जीतने के बाद अब फिर से 2024 में लोकसभा चुनाव हो रही है और इस चुनाव में फिर से सांसद के रेस में उपेंद्र कुशवाहा है। तो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि पुनः फिर से आप सांसद के रेस में आए हैं, तो जब आप सांसद थे तब आपने क्या किया था? तो अमियावर ये गाँव था, सुनने में आया कि इस गाँव को गोद लिया था उन्होंने, तो हम यहाँ की जनता से बात की कि भाई गोद लेने के बाद विकास क्या हुई है। तो सभी लोगों का यही कहना था कि एक समुदाय केंद्र बना है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये फोर लाइन से निकलता है और ये रोड पहले से बना हुआ था, मतलब कि विकास के लिए जब इस गांव को चुना गया था उसके पहले से ही यहां सारी सुविधाएं थी। धन्यवाद।